इट इज़ अ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सॉरी मैच द कॉलम, कॉलम क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फर्स्ट एंड सेकंड ई टू, अगेन व्हेन एवर वी गो टू दिस सब्सटेंसेस और वी गो टू दिस एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, वी आर गेटिंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इज कंसिडरिंग विद द पी आर. A is with P, B with R, C with Q, D with S. ओके सो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो अल्कोहलिक की वेज है आपके वन ब्रोमो के साथ रिएक्शन करनी है, आपको इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमरिज्म नंबर ऑफ कितने कंपाउंड्स आए हैं वो बताना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अल्कोहलिक की वेज है तो डेफिनेटली आपको डी हाइड्रोहैलोजनेशन होगा, तो आपका एक आंसर है पी, यानी कि एक ही कंपाउंड मिल सकता है क्योंकि एच इसका ही निकलेगा बस, इसका निकलेगा एच बी आर, यहाँ पर कट हो जाएगा. अल्कोहलिक की वेज के इसके पास कितने मिलेंगे आपको, इसके साथ में से अगर आप रिएक्शन करते हो तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तीन मिलेंगे, क्योंकि इसके साथ वाला एक दो, और अगेन अगर आप चाहेंगे तो इसको भी यहाँ से काउंट करेंगे तो ये भी अलग हो सकता है, उसके बाद उसके तीन मिलेंगे. सी के कितने मिलेंगे, क्यू मिलेंगे दो दो, क्योंकि एक तो इसका निकल सकता है उसका निकल सकता है, तो दीज आर द ऑप्शन, सो बी क्यू सी क्यू होगा और डी एस होगा. डी में क्या है आपके पास, चार मिलते हैं क्योंकि ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका खुद का भी हो सकता है, तो ऑप्शंस आर नंबर अप देयर एंड सिक्स वाई वी कैन सी हेयर. बहुत सी सेंट्रांस मिलेंगे आपको डी में, ए भी मिलेगा, बहुत सी सेंट्रांस, टोटल फोर कंपाउंड्स हो गए. सो फर्स्ट में क्या सिंपल मिलेगा एक, दो, बी में मिलेंगे तीन, सी में मिलेंगे दो, सो ए पी क्यू बी आर सी क्यू डी एस हो कि वी कैन सी हेयर.